लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपनी रुचि के अनुसार लेआउट और रिपोर्ट के आकार में बदलाव कैसे करें। इसके लिए अपने परिचित उदाहरण डेटाबेस को देखते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि रिपोर्ट कैसे बनाएं, और हमने रिपोर्ट बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स रिपोर्ट हिस्ट्री शीर्षक के साथ बनाई थी। अब हम सीखेंगे कि इस रिपोर्ट में बदलाव कैसे करें। लाइब्रेरी डेटाबेस में बाएं पैनल पर रिपोर्ट्स आइकन पर क्लिक करें। दाएं पैनल पर हम रिपोर्ट्स सूची में बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स रिपोर्ट हिस्ट्री रिपोर्ट देख सकते हैं। इस पर दाएं क्लिक करें और फिर रिपोर्ट को बदलने या संपादन करने के लिए एडिट पर क्लिक करें। अब हम रिपोर्ट बिल्डर नामक एक नई विंडो देखते हैं। इस स्क्रीन में तीन मुख्य भाग हैं, पेज हेडर और फुटर भाग, जो कि ऊपर और नीचे को बनाता है। फिर हेडर भाग है और फिर डिटेल भाग है। हम रिकॉर्ड हेडर और फुटर भाग भी जोड़ सकते हैं। सफेद क्षेत्र में मुख्य स्क्रीन पर दायां क्लिक करके और इंसर्ट रिपोर्ट हेडर स्लैश फुटर पर क्लिक करके हम स्क्रीन के बाईं तरफ नारंगी रंग के क्षेत्र पर डबल क्लिक करके इन भागों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। हमारे आगे बढ़ने से पहले यहाँ रिपोर्ट डिजाइन विंडो का स्क्रीनशॉट है। हम अपनी रिपोर्ट के डिजाइन को इस तरह से दिखने के लिए रूपांतर करेंगे। हम कुछ टेक्स्ट लेबल्स फॉन्ट्स जोड़ेंगे तथा विभिन्न भागों के स्पेस की फॉर्मेटिंग और समायोजन करेंगे। ठीक है, अब कुछ रिपोर्ट हेडर्स और फुटर्स जोड़ते हैं। यह करने के लिए हम लेबल फील्ड आइकन पर क्लिक करेंगे। रिपोर्ट में कंट्रोल्स टूलबार सबसे ऊपर मेन्यू बार के नीचे पाया जाता है। चलिए इसे रिपोर्ट हेडर क्षेत्र में बनाते हैं, जैसा कि अभी दर्शित हो रहा है, और इसकी विशेषताओं को दाईं तरफ लाने के लिए लेबल पर डबल क्लिक करें। यहाँ लेबल के सामने टाइप करते हैं बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स रिपोर्ट हिस्ट्री और एंटर दबाते हैं। चलिए फॉन्ट स्टाइल भी बदलते हैं। हम एरियल ब्लैक चुनेंगे, बोल्ड और साइज 12 और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। आगे जैसा स्क्रीन पर दिखाया है वैसा रिपोर्ट फुटर पर एक और लेबल जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप चलिए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट लाइब्रेरियन टाइप करते हैं। और फिर फॉन्ट स्टाइल को एरियल बोल्ड इटैलिक और साइज 8 में बदलें। अब पेज फुटर क्षेत्र में लेबल जोड़ने के लिए हम वही स्टेप्स को दोहराएंगे। इस बार हम लेबल के सामने टाइप करेंगे नेहरू लाइब्रेरी न्यू दिल्ली और फॉन्ट स्टाइल को एरियल में बदलें और साइज 8। अब खाली स्थान को सुधारते हैं। पहले पेज हेडर और रिपोर्ट हेडर के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके पेज हेडर क्षेत्र को कम करते हैं और हम इसे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप तरीके से सबसे ऊपर ले जाएंगे। अगला रिपोर्ट हेडर और हेडर के बीच स्लेटी रेखा पर डबल क्लिक करके रिपोर्ट हेडर क्षेत्र को कम करते हैं।
रिपोर्ट फुटर और पेज फुटर के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए भी हम इसी तरीके को दोहराएंगे। अगला हेडर लेबल्स को बीच में करते हैं। हम यह बुक टाइटल पर क्लिक करके पहले सभी लेबल्स को चुनकर करेंगे और फिर जब शिफ्ट बटन दबाते हैं हम दिखाई दे रहे बाकी लेबल्स पर क्लिक करेंगे। अब इनको मध्य में लाने के लिए अप एरो बटन का इस्तेमाल करें। हम अब हेडर को हल्का नीला पृष्ठभूमि देंगे। यह करने के लिए हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट को नो में बदल देंगे और फिर लिस्ट से बैकग्राउंड कलर के लिए ब्लू 8 चुनें। हम यही डिटेल भाग के लिए भी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल और रिपोर्ट फुटर भागों के स्पेस को बढ़ाएंगे। और फिर फील्ड्स को मध्य में लाएं। हम डिटेल भाग के लिए हल्का स्लेटी बैकग्राउंड चुनेंगे जैसा दिखाया गया है। आगे चेक्ड इन फील्ड के लिए हम डेटा फॉर्मेटिंग बदलेंगे। चूंकि यह बूलियन वैल्यूज 1 या 0 रखता है, यह ट्रू या फॉल्स दर्शाता है। हम इसे अनुकूल यस या नो विकल्प दिखाने के लिए बदलेंगे। इसके लिए हम डिटेल भाग में दाईं तरफ पर चेक्ड इन फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे। अब दाईं तरफ प्रॉपर्टीज पर पहले डेटा टैब पर क्लिक करें। डेटा फील्ड के बगल में बटन पर क्लिक करें जो चेक्ड इन है। यह फंक्शन विजार्ड नामक एक नई पॉपअप विंडो खोलता है। यहां पहले नीचे दाईं तरफ फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स खाली करें, फिर कैटेगरी ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें और फिर इफ पर डबल क्लिक करें। अब दाईं तरफ हम नए संचालन देखते हैं। अब पहले टेक्स्ट बॉक्स के दाईं तरफ सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करें। यहां हम चेक्ड इन पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दोहरे उद्धरण चिन्हों में यस टाइप करेंगे। और फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में नो टाइप करेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज भाग में जनरल टैब पर जाएंगे। और नीचे फॉर्मेटिंग के सामने बटन पर क्लिक करें। यहां हम कैटेगरी सूची में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। और अब हम रिपोर्ट सेव करेंगे। ठीक है, अब अपनी परिवर्तित रिपोर्ट को रन करते हैं। इसके लिए हम सबसे ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर एग्जीक्यूट रिपोर्ट पर क्लिक करें। और यहां लाइब्रेरी सदस्यों को जारी की गई पुस्तकों का हमारा सूक्ष्म विवरण है। स्पेसिंग, हेडर्स, फुटर्स, फॉन्ट्स पर ध्यान दीजिए और चेक्ड इन फील्ड पर ध्यान दीजिए जो यस या नो दर्शाता है। और हमने अपनी रिपोर्ट में बदलाव कर लिए हैं। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस पर रिपोर्ट में बदलावों के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने सीखा कि अपनी रुचि के अनुसार लेआउट और रिपोर्ट के आकार में बदलाव कैसे करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।